हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। केम छो मजा। मैं तो पूरी मतलब अच्छी हूँ। और सुबह के हो चुके हैं 11:30, 12 हो चुके हैं और मेरी सारी क्लासेस भी खत्म हो चुकी हैं। और मेरी मम्मी अभी तक नहीं उठे, आपको पता ही है उनका शेड्यूल, तभी उनको उठाते हैं। और मेरे बालों का ये ताथैया ताथैया हो गया, सो इनको उठाते हैं। अम्मा मम्मी उठो। माँ उठ नहीं रहे हैं। चाय पिला दो, मेरी मोड़ चौकी चाय ले आओ, बना के मैं उठ जाती हूँ। कुंभकर्ण की नींद। देखो सुनो भाई, सीधी सी बात है, मैं और डीजा जा रहे हैं काला, ठीक है? काजा हाँ, और जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे था उसका नाम, लाल स्पीति। हाँ हम जा रहे हैं लाल स्पीति। आज हम जा रहे हैं लाल स्पीति, मैं और सिर्फ मेरा डीजा, वो भी मेरी लैम्बोर्गिनी साइकिल में, ठीक है? लव लो कंटिन्यू करो, अगले साल तक पहुंचोगे, ठीक है? बाय। क्या ड्रामे हो रहे हैं? तैयार भी तो होना पड़ेगा, ठंड में मरने तो। इसका मैं अपनी कैप बना लूंगा। ये देख रही थी सुबह सुबह जट प्रभजोत की वीडियोस, तो उसमें वो काजा गए हुए हैं, तो वही कि मुझे भी जाना, मुझे भी जाना, मुझे। ये क्या है? ये बर्फ है, मतलब बहुत मजा आया काजा जाके। और बिल्कुल ठंड नहीं थी, दिल कर रहा था क्रॉप टॉप पहन के घूमने, पर लेके ही नहीं गए थे यार। इसने भी अपना टोपा खोल दिया था कितना। एक्चुअली पता क्या चीज़ है, इसके पास बहुत सारे टैडीज हैं, बहुत सारे हैं, लाइक इधर है ना, फिर एक इसको पकड़ाइयो, चौमुखी को, हाँ एक इधर पड़ा हुआ है, लाइक ये हो गया, फिर तीन चार दूसरे रूम में पड़े हैं, फिर एक बहुत बड़ा पांडा है जो 6x4 के बेड में आता है, वो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, उसके साथ भी दो टेडीज और पड़े हुए हैं, लेकिन इसको यही टेडी चाहिए। ये है वन एंड ओनली। ये फट भी गया है लेकिन इसको ये घेरती नहीं है। रीजन इसका ये है कि मैं बता देती हूँ आपको कि ये इसको मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, मतलब जब मैं सेकंड क्लास में थी। हाँ, जब ये सेकंड क्लास में थी, तो एक्चुअली क्या था कि इसका बर्थडे था, तो इसने उसको मतलब गिफ्ट लेके आई थी इसके लिए। तो अब क्या सीन है कि उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब 2013 में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ही इसको, इस टेडी को इसने बहुत प्यार से संभाल के रखा हुआ है। और ये यही कहती है कि ये मेरी रेनू मासी ने दिया था, तो ये मेरी रेनू मासी है मेरे साथ, तो ये इस टेडी को घेरती नहीं है। मेरा डिटको है, डिटको, ये किसी को भी झटका दे सकते, तो कोई पंगा नहीं लेना, फालतू में नहीं, मुझे नहीं है जाना, समझ गए ना? बस बस ये हमेशा यही कहती है कि ये रेनू मासी ने मुझे दिया था, तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी, चाहे ये फट भी जाएगा मैं तब भी इसको घेरूंगी नहीं। और जिसने इसको घेरा ना, मतलब इतने सारे इसको टैडी ला के दे दिए। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने, उसने भी इतना अच्छा टैडी इसको दिया, वो भी इसने नहीं यूज किया, नहीं नहीं करूंगी मैं। लेकिन वो सारे यूज होते हैं, लेकिन जैसे सो गए तो उसका तकिया बना लिया, लाइक उसको पीट लिया, जब गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर निकाल लिया, उसको उसकी आंख कान सब उसका निकाल दिया हुआ है,
लेकिन इस टेडी का तो सब कुछ मतलब इतना फट चुका है, ये हर जगह से इसकी सिलाइयां हर चीज। हमने इसको इतना सिलाया था एक बार नहीं फट गया। मम्मी कहते हैं ये ऐसे सिलने वाला तो है नहीं, एक काम करो जूते का टांका लो और उसे सिल दो। सीरियसली। और ये मतलब इस टैडी को इतना संभाल के रखती होती है कि मतलब रात को नींद नहीं आती अगर इसके पास टैडी ना। और सेकंड थिंग कि मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि एक बार मैं और कृषिका गए थे घर, तो हम लोग गाड़ी लेके गए यहाँ से, तो ये गाड़ी में ना टेडी बियर ले गई साथ में कि हाँ मैं लेके जाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने इसको मना भी करा कि मत लेके जा कृषिका, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया वहां पे, और मैं 5-6 दिन के बाद चंडीगढ़ वापस आ गई, और ये अपनी नानी के घर पे रह गई, ठीक है। तो अब आना था वापस, तो उसके बाद क्या हुआ कि आने का कोई सोर्स नहीं, मतलब बस में इसने आना नहीं, लॉकडाउन था और उसमें। लॉकडाउन लगा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत तो बसेस वगैरह भी बहुत कम चल रही थी, तो मैंने इसके लिए फ्लाइट बुक करवाई। अब इस टैडी का सीन हो गया कि अब इसको कैसे लेके आना है। तो इसने अपने कपड़े रखे वहां पे, टैडी को पूरा प्रॉपर करके डाला बैग के अंदर, और उसको कपड़े छोड़ा ही कपड़े मैंने। छोड़ा ही, लेकिन ये टैडी ये फ्लाइट में ये अपने साथ बिठा के लाई, मतलब बैग उसमें करके जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो कैबिन बैग में डाल दिए, बाकी ये बैग, मेरे ये तक इसकी तरह ये फ्लाइट में भी आ गया है, ये बताओ। मेरी मेरे तक सोशल की बुक भी रह गई थी, मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने नानी को बोला था, नानी तू मेरे को भेज देना अगर मासी आ रहे हो तो, फिर वो अपनी बुक्स लेके तक छोड़ा ही, लेकिन इसको बैग के अंदर डाल के फ्लाइट में भी ये ले आई, पर ले आई इसको, छोड़ा नहीं। मैं मैंने कहा छोड़ सो दे, हाँ जब तो दोबारा आएंगे तब ले आएंगे। ना जी, मतलब ही नहीं बनता। ना ना ये बात ठीक नहीं है भैया, ये ना इतना ना प्यार है इसके साथ, इसको बहुत ज्यादा ही प्यार है, मतलब अटैचमेंट कह लो, या देख रहे हो यहां से फट भी गया, या देखो। यार बेचारा रो पड़ेगा, क्यों बदनाम करते बेचारे को। दैट्स नाक के समथिंग, वो तो दो बोल इसका एक ही होता। इसका निकाल के लगा दे। नहीं चोंगू लगेगा फिर ये तो। ये हम बर्फ लेके आए थे, अभी आप ये मत सोच रहे ना कि मैं सच्ची में अपनी लैम्बोर्गिनी मतलब साइकिल उठा के लेके गया था। नहीं, फ्रिज के अंदर मलाई पड़ी थी, तो मलाई को ही उठा के ले हटा लो। एक तो वाइट दूध, दूसरा मलाई, ये लड़की बिल्कुल नहीं खाती ना पीती है। चलो जाओ, चलो अभी हम हो जाते हैं थोड़ा सा फ्रेश, रेडी हो जाते हैं अभी, हम क्योंकि कहीं जा रहे हैं रेडी हुई है। आपने मैं तो ठंड है बहुत ज्यादा, आज भी बादल है बाहर, मौसम है बहुत ज्यादा खराब, और अभी हम निकलते हैं अपने सफर के लिए ठंड में, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी देख रहे हो कृषिका ने बनाई है, मतलब सीरियसली इतनी टेस्टी चाय, इतनी टेस्टी चाय है ना कि मजा आ गया, खाना तो टेस्टी होगी सच में बहुत टेस्टी है, अल्टीमेट। अल्टीमेट। मैं ऐसे तो चाय बनाती नहीं हूँ, पर जब बनाती हूँ ना मतलब आहा। और खुद चाय नहीं पी रही, तो देखना क्या खा रही है। सुबह सुबह अमरूद कौन खाता है, कृषि का टोकरा। पागल। अब हम करने लगे हैं अपना ब्रंच, लाइक ब्रेकफास्ट भी नहीं कह सकते और लंच भी नहीं, तो ब्रंच कर रहे हैं इस टाइम हम, क्योंकि 1:30 हो गए हैं। और आज खाने में है आलू के पराठे। जब तक मैं आपको आलू के पराठे का शूट देती हूँ। जो पराठा है ना ये मैंने खुद बनाया, लाइक बहुत टफ होता है पराठे बनाने। हमारा दूसरा पराठा हाजिर है और अब हमें अपना पराठा मिल चुका है। अब हम देख रहे हैं डोरेमोन शो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। जब तक मेरी बेस्टी का फोन आया है, देख सकते हो आप मैंने क्लीन से सेव करा है। और अब हम थोड़ी बात करेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगी, आप इस टाइम दुनिया के सामने हैं। हाँ हाँ जरूर बात जरूर। मैं अपनी बेस्टी से बात कर रही हूँ, तो अब देखते हैं इनके क्या विचार हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगी। गाइस इस प्रकारन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसकी वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर तो कर ही देना, बाकी आपकी मर्जी है।
और कुछ अच्छा बोल सकते? और कुछ अच्छा नहीं, बस इतना ही बहुत है। चलो ठीक है फिर, तो अब मैं अपनी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हो गई हूँ अभी ऑफिस के लिए रेडी, और कुछ चीज़ नोटिस करी आप लोगों ने? मैंने वो, अरे बताना मुझे ये अच्छा लग रहा है या जो मैंने बाली पहन रखी थी वो मुझे अच्छी लग रही थी? मैं भी। चलो और ये देखो, मतलब कुछ भी ऑफिस नहीं जाने दे रही, 10 रुपए दो कहती पहले मुझे। बहुत अमीर हूँ मैं, किसी को मेरे से चाहिए हो ना पैसे तो मुझे अभी कमेंट दो, मैं अभी ये अभी दे दूँ अभी, अगर सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे। चलो चलो बाय, लेट हो गया मैं, चलो अपनी गाड़ी हो गई है स्टार्ट, और बाय गाइस, चल मिलते हैं शाम को, बड़ी दूर नहीं जा रही मैं। चलो अब देखो, जाने नहीं देगी ना लायक कहीं की, बाय। यार सीरियसली, मैं तो यहाँ पे जो गली है ना इतनी कंजस्टेड है ना, मुझे रोज यहाँ से गाड़ी निकालने में इतनी दिक्कत आ जाती है, क्या करें सीरियसली। यार दुखी कर रखा है मोहाली वालों ने, हर जगह लाइट सीवरेज डाल के, देखना ऑफ रोडिंग वाओ, कहीं पे भी गाड़ी डाल, आगे रास्ता नहीं है बंद, पीछे ले लो यहाँ से गाड़ी, चलानी मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो फंस जाएगी आगे गाड़ी, रास्ता नहीं है। विदाउट मास्क बैठी थी मैं गाड़ी में, चलान काट दिया पुलिस वालों ने। मम्मी चंडीगढ़ में स्टार्ट हो गई है बारिश, मज़ा आ रहा है यार सीरियसली, मतलब ना पुलिस वाले इतने बेकार, सच में बेकार है, मतलब 3 गाड़ियां खड़ी हैं, 1 गाड़ी का चलान तुम लोग काट रहे हो कि विदाउट मास्क, और 2 गाड़ियों को फ़ोन पे बात करके तुम लोग जाने दे रहे हो, और ऊपर से बहस कर रहे हो, मतलब सीरियसली, मतलब ना कई कई लोग तो अलग ही लेवल के होते हैं, मतलब सिक्का ही रिश्वत खाना है तो क्या ही कर सकते हैं ना। बाकी बारिश हो रही शुरू हो चुकी है यहाँ चंडीगढ़ में, और मौसम ठीक, मेरे ख्याल से बारिश हो जाएगी तो फिर थोड़ा ठीक भी हो जाएगा मौसम, लाइट चला लेते हैं हम, तभी मज़ा आएगा बात करने का। और यहाँ जाना है मैंने अभी पार्लर, अब मैं यहाँ जाऊँगी पार्लर, अब मोहाली वाले पे नहीं जाना, मैंने यहाँ जाऊँगी चंडीगढ़ वाले पे, पर है ना अभी अपने लेना अच्छा सा मैंने करवानी है, हेयर स्ट्रिक्स करवाऊँगी मैं अच्छी सी, और हेयर कट लूँगी अच्छा सा, ठीक है अभी बारिश दिखाती हूँ। अभी पहुंची हूँ जस्ट घर, और रात के बज रहे हैं 11:30, क्योंकि आज मुझे काम था बहुत ज़्यादा और मैंने जाना था 2-3 जगह पे, तो रास्ते में मतलब 2-3 जगह पे ऐसा कुछ हो गया कि मतलब मूड ही ऑफ हो गया। एक तो पुलिस वालों ने हमें रोका, मतलब मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने रोका, रीज़न कि मैंने मास्क नहीं लगा के रखा था, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, मास्क उसने भी नहीं लगाया हुआ था। अभी ले दे के घर पहुँचे हैं, अभी जस्ट बारिश भी हो रही थी चंडीगढ़ में, मौसम थोड़ा आई थिंक सो थोड़ा ठीक हो जाएगा, और अभी मैं घर पहुंच रही हूँ। कृषिका भी सो गई है, मैं किसी को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अभी सारे सो गए हैं, उसकी सुबह क्लास होती है 7 बजे, वो उठ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे। बाकी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।